गाइज, आज की छोटी सी वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस छोटे से ब्रश के बारे में, जो आपको देखने में सिर्फ एक सिंपल ब्रश लग रहा होगा जो क्लीनिंग के काम आएगा, बट ये काफ़ी यूज़फुल है और इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या पार्ट इसमें है। तो आइए इसको देखते हैं और कैसे यूज़ करना है वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये ब्रश सिंपली आपका निकल भी सकता है और आप इसको ऐसे ही एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं क्लीन करने के लिए, बट अगर आप चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं। तो डिसअसेंबल मैं कर रहा हूँ, हर एक पार्ट आपको बता रहा हूँ, तो इसको निकाल के रख देते हैं। उसके बाद ये रेड वाला पार्ट है, हम इसको निकालेंगे। तो ये एक्चुअली यूज़ होगा कीज़ निकालने के लिए। लेट्स से हमारे कीबोर्ड की की ऐसे है और हमने इसमें इसको ऐसे इंसर्ट किया और उसके बाद हमने इसको ऐसे बाहर निकाल लिया, ये हमारी की बाहर आ गई। जैसे की बाहर आती है तो हम यहाँ से इसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये पार्ट आपका अच्छे से क्लीन हो गया है। तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है कीज़ निकालने के लिए, इजीली आपको निकलते हैं और आपको डर नहीं लगता निकालते हुए, क्योंकि सिक्योरली ये आपकी की निकाल के देगा आपको। उसके बाद जैसे ही आप क्लीन कर सकते हैं तो वापस आप अपनी की अपने हाथ से नॉर्मली डाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो हमें उसके लिए इसको ओपन करना होगा। यहाँ से ये हमारा सेंटर में आप देख सकते हैं, यहाँ से ओपन होगा और ये चीज़ निकल के आएगी। नीडल टाइप है ये और साथ में एक छोटा सा ब्रश है। तो जो फ़ोन के स्पीकर्स होते हैं, जहाँ पे ये छोटे छोटे हमारे होल्स होते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी कचरा फंस जाता है और उसको निकालना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। कई बार स्पीकर की आवाज़ भी डिफर करने लग जाती है इस कचरे की वजह से, इस डस्ट की वजह से। इस पिन के साथ ऐसे अपना डस्ट निकाल सकते हैं और जैसे ही आप ये करें उसके बाद ये छोटा सा ब्रश यूज़ करें और उसको रिमूव कर दें। तो ये छोटे छोटे स्पीकर, इवन ये चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और कोई भी छोटे मोटे होल्स हो उसमें आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स हो, डेलिकेट पार्ट हो, वहाँ पे ये छोटा ब्रश यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप ये सोच सकते हैं कि ये जो पार्ट हम यूज़ करेंगे तो साथ में ये अड़ सकता है किसी पार्ट में। अगर मैं डेलिकेट पार्ट की बात करूँ, जैसे प्रोसेसर वगैरह है, तो आपको ये रिमूव करके भी मिलेगा, आप ये पार्ट रिमूव कर सकते हैं तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी और आप इजीली अब इसको यूज़ कर सकते हैं छोटे पार्ट्स में भी। बात करें इस पार्ट की, ये पार्ट हमारा यूज़ होगा जैसे हमारे एयरपोर्ट हैं, एयरपोर्ट के अंदर के जो हॉल्स हैं, इसको निकालने के बाद ये अंदर के जो होल्स हैं ये भी हम क्लीन कर सकते हैं। जस्ट सिंपली इसको इंसर्ट करना है और साथ में रोटेट कर देना है, तो आपके ये पार्ट भी क्लीन हो जाएगा। और बाकी छोटा मोटा जो भी होल्स होते हैं, जो जहाँ तक कपड़ा नहीं पहुँच पाता, वहाँ पे आपका ये इजीली इसको क्लीन करके देगा। और ये फोम टाइप है, कोई हार्ड पार्ट नहीं है, आपका कोई भी डिवाइस को कोई नुकसान नहीं होगा। तो वापस इसको अब असेंबल कर देते हैं, जस्ट आपको ऐसे प्रेस करके इसको डाल देना है, उसके बाद ये चीज़ यहाँ पे डल जाएगी और इसको रोटेट कर देना है, फिर उसके बाद ये चीज़ यहाँ पे लग जाएगी और ये रेड पार्ट वापस यहाँ पे लग जाएगा। तो ये इस तरीके से वापस असेंबल हो जाएगा और आपको फिर से ये एक नॉर्मल ब्रश की तरह दिखेगा। तो अब अगर इसके प्राइस की बात करें तो अराउंड 150 से शुरू होके आपको 250-300 तक की आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा आप अगर 200-250 की रेंज में इसको लें तो आपको बेटर क्वालिटी मिलेगी और काफ़ी सही रहेगा, बट अगर आप सस्ता भी लेना चाहें तो 150 का ले सकते हैं, साथ में डिलीवरी चार्जेस हर एक पे लगेंगे ही। तो ओवरऑल मुझे काफ़ी सही प्रोडक्ट लगा क्लीनिंग के पर्पज से, स्पेशली कीबोर्ड के लिए जहाँ पे हमें क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी। तो अगर आप भी इसको बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।